हेलो दोस्तों, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि रात हो गई है तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा। सुबह में आप लोग को नेक्स्ट डे का वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। और हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में इंटर लगभग हो चुके हैं, ट्रेन पहुँचने वाली है। और मैं सो गया था, नींद खोली तो सोचा वीडियो बना देता हूँ। तो यहाँ से वीडियो बनाते हुए दिखाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट डे का पूरा ट्रिप। और आप लोग देख सकते हैं, और ट्रेन भी 1.5 घंटा लेट है क्योंकि ट्रेन डाइवर्ट होके आई है। तो कौन से स्टेशन से जा रही थी जो कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि झारखंड वगैरह में स्ट्राइक वगैरह चल रही थी तो ट्रेन डाइवर्ट कर दिए गोमो से। और दोस्तों, उड़ीसा में जाते हैं आप लोग, नारियल वगैरह सब बहुत फेमस। देखिए, सबके घर में नारियल लगा हुआ है। फ्लाइट वगैरह है स्टेशन के पास में। रोड जो कि इसका यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, देखते हैं रुकती है कि नहीं रुकती है। दोस्तों, यहाँ का मौसम थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी बूस भी पड़ रही है और धूप भी आपको नजर आ रही होगी। अब ऐसा क्यों है ये बता नहीं सकते। Thank you.
इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर ठंडी बराबर है, सुबह में ठंड लग रही है। दिन देखते हैं, तो इधर आप लोग देख सकते हैं ये धुंध नजर आ रहा है क्योंकि अब हम लोग पूरी तरफ पड़ रहे हैं। इधर देखते हैं रोड के साइड में चड्डा वगैरह भी सब खड़ा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा काफ़ी इंतजार के बाद हम लोग की ट्रेन पूरी पहुँच ही गई है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं पूरी जंक्शन और अपने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 24 घंटे पूरे करते हुए पहुँच रही है। आइए कहाँ हो पूरी SSP WDG-3A এই তো এইখানে রেখেছিলাম এইদিকে এইদিকে চলো আপনার সফর সমাপ্ত হওয়া दोस्तों हम लोग फिलहाल अभी पूरी स्टेशन आ चुके हैं। अब यहाँ से चलते हैं जगन्नाथ स्टेशन वगैरह से करेंगे और आगे ऑटो वगैरह लेते हैं, ब्रेस वगैरह होते हैं उसके बाद।
तो गाइस हम लोग फिलहाल अभी पूरी में आ चुके हैं और होटल वगैरह ले चुके हैं, और होटल लेने के बाद हम लोग जा रहे हैं बीच पर। कहते हैं लोग कि बीच पे नहाने के बाद आप लोग जगन्नाथ पुरी के दर्शन किया करें, ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग पहले जा रहे हैं बीच पे नहाएंगे, फिर वहाँ से आके होटल में नहाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जगन्नाथ पुरी के दर्शन करने जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बीच पे, नहाते हैं और आप लोग आसपास का देख सकते हैं। और चलते हैं, आप लोग को अपना होटल भी दिखाएंगे कैसा हमारा मतलब। चलते हैं दोस्तों, इधर में आप लोग देख सकते हैं, इधर भी रहने के लिए है शायद, और मंदिर वगैरह भी है। और यहाँ पे जगह जगह पे आप लोगों को टूरिस्ट वाले मिल जाएंगे मंदिर वगैरह घुमाने के लिए, गाड़ियाँ वगैरह लगी हैं। चलते हैं दोस्तों बीच से, मस्ती करते हैं, फर्स्ट टाइम बीच पे जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इधर अब हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर भी टूरिस्ट वगैरह सब लगे हुए, गाड़ी वगैरह और कपड़ा वगैरह सब है इधर। ये देखिए बिक रहा है, चश्मा वगैरह है, टोपी वगैरह, इसको जो लेना है। ये देखिए लोग मच्छी पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। गोवा वाले बीच पे नहीं जा पाए, क्या हुआ पूरी वाले बीच पे तो आ गए हैं। बहुत बालू है भाई, बहुत बालू है। अरे भाई ऐसा लहर मार रहा है यहीं से, ऐसे आवाज आ रहा है। अरे गजा क्या लहर मार रहा है भाई। आइए दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों हम लोग फिलहाल बीच पे आ चुके हैं और बीच पे देखिए, फर्स्ट टाइम बीच पे आए। चलते हैं, हम यहाँ पे नहाते हैं। ये देखिए सब यहाँ पे नहा रहे हैं। कैमल सफारी वगैरह भी होती है यहाँ पे, ये देखिए। ए भाई केकड़ा, ये गाय जाते हैं। Thank you.
डैडी पहुंचा दे ऐसे इलाहाबाद का। आओ तो दोस्तों हम लोग अब बीच पे से नहा करके होटल पे आए। होटल पे से नहा धो करके बाबू बच्चा बंद करके अब जा रहे हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने। और दर्शन करने के बाद आप लोगों को अगर दिखाते हैं कैसे क्या है। और होटल से हम लोगों को यहाँ तक का 100 रुपये चार्ज किया है ऑटो वाले ने। चाहते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों इधर आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग मंदिर के पास आ चुके हैं। ये देखिए अब यहाँ से सामने आप लोग देख सकते हैं मंदिर भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे फोटो वगैरह मिल जाएंगे आप लोगों को। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और दूर से मंदिर दिख रहा है बहुत बड़ा। आप लोग के सामने देख सकते हैं ये जगन्नाथ जी का मंदिर। इनके बारे में मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं प्रेजेंट टाइम पे जो दर्शन वगैरह है वो करा दे रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं रोड का भी निर्माण कार्य वगैरह चल रहा है। और यहाँ से शायद बनाया गया है एंट्री गेट भी। तो दोस्तों अब यहाँ से चलेंगे हम लोग अंदर दर्शन करने के लिए। और ये आप लोग देख सकते हैं छावनी वगैरह बना हुआ है। तो दोस्तों हम लोग मंदिर से बाहर आ गए हैं। मंदिर से दर्शन करने के बाद और चलते हैं अभी हम लोग को यहाँ तक दिखाते हैं। इधर मैं आपको देख सकते हैं इधर निर्माण कार्य वगैरह चल रहा है। कॉरिडोर वगैरह बन रहा है यहाँ का जगन्नाथ पुरी का। इधर में आप लोग देख सकते हैं कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। और ये मंदिर का गेट का एग्जिट है। और
पहाड़ी सी के अंदर मंदिर है पूरा जो आपको देखो। और सामने आप लोग देख सकते हैं प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो लोग पत्थर वगैरह वहीं पे फेंक देते हैं वो फेंका जा रहा है। अब दोस्तों चलते हैं घर की तरफ और कुछ नाश्ता पानी करते हैं और आएंगे आप लोगों को जो प्लान रहेगा ये भी तो प्लान वैसे मैं तो चला नहीं जो प्लान मिल जाए कहाँ जा जहाँ भी जाएंगे ऐसे आप लोगों को वीडियो वहाँ से देखते रहिए। और ये सारी वीडियो एपिसोड के जैसे आएगी इधर मैं आपको मंदिर से बाहर आ पाएंगे तो खाने पीने का सारा दुकान पानी वानी का सब दुकान आप मंदिर के अंदर कैम मोबाइल कैमरा कोई चीज़ नहीं लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं पूरी बीच पर और भाई हम लोग यहाँ पे मस्ती वगैरह करेंगे और फ़ोटो वगैरह खिंचाएंगे वीडियो वगैरह बनाएंगे। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किया तो जाकर के फॉलो करिए akhil_0163। चलिए बनाते हैं वीडियो वगैरह और यहाँ का लुत्फ वगैरह उठाते हैं। ये देखिए इधर चाय वगैरह का स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, इधर नारियल पानी वगैरह है, इधर आप बैठ के मैगी खा सकते हैं जैसा कि ये दीदी खा रही हैं। और ये कैमल सफारी और यहाँ कुत्ते भौंकते हुए आप इसका भी नज़ारा ले इसका भी नज़ारा ले सकते हैं आप लोग। ये देखिए भौंकिए जरा सर सर ये मेरा दोस्त शुभम 50 रुपये में सबको सवारी कराता है सब 50 रुपये में सबको सवारी कराता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए दोस्तों शाम के बीच के नज़ारे गजब एकदम जैसे ही सब लोग बीच को देखते हैं तो बस एकदम टूट पड़ते हैं फिर से नहाने का मौका। ओहो यहाँ तो एकदम गोवा वाला फीलिंग्स आ रही है गोवा वाले बीच। तो इधर आपको देख सकते हैं आप लोग कैमल राइड भी कर सकते हैं और साथ में ये देखिए बाइक वगैरह भी है। ये देखिए ये भी 300-400 रुपये में आपको हायर में मिल जाएगी मतलब रेंट पर मिल जाएगी और कैमल वगैरह का भी जो भी हो 150 जैसा भी आप बार्गेनिंग कर पाएँ। और ये है अभी कुछ बीच का नज़ारा शाम के टाइम। आप लोग देखिए ये पूरी बीच का नज़ारा है ये कैमरा राइट 50 रुपये तो गाइस मम्मी पापा जा रहे हैं कैमरा राइड करने के लिए और भैया भी जा रहे हैं साथ में 50 रुपये यस चलो देखिए क्या
गाइस हम लोग अभी फिलहाल जा रहे हैं जगन्नाथपुरी के आरती देखने के लिए और देखते हैं आरती देख पाते हैं या नहीं। और ये देखिए, ये आप शाम के समय बीच का नज़ारा देख सकते हैं 5:30 बजे। दोस्तों अभी हम लोग फिलहाल दोबारा से पूरी जगन्नाथ जी के आ गए हैं हम लोग। तो दोस्तों एक बार हम लोग फिर से दोबारा जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए आ गए हैं और मैं तो बाहर रह रहूँगा, मम्मी लोग जा रही हैं, आरती वगैरह देखेंगी और दोबारा से दर्शन करेंगे क्योंकि उस टाइम बहुत भीड़ थी। इस बार से मम्मी लोग फिर से जा रही हैं और ये देखिए काफ़ी VIP बन रहा है, ये भी शायद रेस्टोरेंट वगैरह या होटल वगैरह बन रहा है। और यहाँ की ये आसपास के होटल वगैरह हैं जो कि काफ़ी महंगे महंगे हैं, मतलब 500 से 1000 के ऊपर ही हैं। और जिधर हम लोग हैं वो आप लोग को 500 में मिल जाएगा। और दोस्तों हम लोग आए थे यहाँ पे आरती देखने के लिए और मौसम देखिए, ये देखिए मौसम ऐसा लग रहा जैसे कि अभी तुरंत ही गिर जाएगा। लो भाई हो गया बारिश। और यहाँ का नाइट मार्केट है, अब होगी बारिश। अभी आप लोग देख सकते हैं सामने यहाँ पे बन रहा है जगन्नाथपुरी जी का कॉरिडोर और यहाँ पे रात में भी काम चल रहा है जैसा कि सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।
ये एग्जिट द्वार है, यहाँ से शायद एग्जिट जो आएंगे तो इसका रैंप वगैरह बनाया जा रहा है। और इधर भी देखिए काम वगैरह चल रहा है। यहाँ पे जगन्नाथ पुरी तो दोस्तों हम लोग का खाना आ गया है और हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। 80 रुपये थाली का है, इसमें एक सब्जी, दो सब्जी और ये पनीर सब्जी से ये दाल है, यहाँ चावल है, ये पापड़ है और दो रोटी है और अचार है। चलिए खाते हैं।